धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस बृहत जनसभा के सभापति रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के क्षेत्रीय सभापति शेख फैजुल्ला जी मंच पे आसीन, नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हृदय नारायण यादव जी इसी तरह मंच पे आसीन, रौतहट जिला कार्य समिति के सचिव उपसभापति रामलोचन प्रसाद कलवार जी इसी तरह मंच पे आसीन, रौतहट जिला कार्य समिति के सचिव रामचंद्र गिरी जी मंच पे आसीन, हमारे अभिभावक मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवचंद्र मिश्रा जी इसी तरह मंच पे आसीन, परोहा नगर पालिका के नगर प्रमुख शेख वकील जी, राजपुर नगर पालिका के नगर प्रमुख डॉक्टर राजीक आलम जी, रौतहट क्षेत्र नंबर 4 के क्षेत्रीय सभापति पूर्व नगर प्रमुख रामेश नेही राय यादव जी लगायत मंच पे आसीन, महासमिति सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधिगण और संपूर्ण नेतागण, संचार कर्मी साथी और यहाँ पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए इस कड़कती धूप में बारिश के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित मेरे अभिभावक बड़े बुजुर्ग माए बहनों और युवा साथियों में मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय नेपाल। सबसे पहले मैं आप सबका इस जनसभा को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए आप लोगों ने जो कष्ट उठाया है, जो परेशानियां उठाकर यहां पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपने तरफ से और मेरे वालिद आपके नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आफताब आलम की साहब के तरफ से आभार प्रकट करते हुए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथियों, आप लोगों को मालूम है कि आपके नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आफताब आलम साहब को कैसे जाल झेल षड्यंत्र करके विगत 5 साल से जेल में रखा गया है और 5 साल से हम लोग न्याय के प्रतीक्षा में हैं। उनको यूं ही नहीं फंसाया गया, ये आप लोगों का मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ समर्थन है, इस वजह से उनको फंसाया गया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भले ही जिला अदालत जो भी फैसला करे, इसके ऊपर हायर कोर्ट जो उच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत है, वो एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हल्ला खल्ला के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी सिद्धांत के आधार पर और प्रमाण के आधार पर फैसला करेगी और हम सबको न्याय मिलेगा और हमारे नेता हम सबके बीच में होंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, बहुत लोग इस जिला अदालत के फैसला के बाद कुछ लोगों का कहना है और सोच रहे होंगे कि हम लोग डर जाएंगे, रास्ते से हट जाएंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे वाली साहब कभी डरे हैं जो हम डर जाएंगे। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमारा संघर्ष और जद्दोजहद जारी रहेगा आपके मान सम्मान के लिए, आपके अस्तित्व के लिए। हमारा मेरा हर हमेशा ये जान कुर्बान रहेगा। आप लोगों को मालूम है कि आपके नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आफताब आलम साहब हर एक आंदोलन में आपके हक और हुकूक के लिए कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा आगे रहे और इस देश में उनका एक पहचान है, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का पहचान है। वो हमेशा इस देश की एकता, अखंडता,
धार्मिक सहिष्णुता और आपसी भाईचारा बनाने के लिए वो काम करते रहे और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हर एक मुश्किल घड़ी में आपसी भाईचारा बनाने के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विगत 5 साल से वो भले ही जेल में है लेकिन उनका हौसला आज भी बुलंद है, आप लोग ये जान लीजिए साथियों। और उनका जो हमेशा से अड़ान रहा है आप लोगों के हक के लिए आवाज उठाना, आपके आपकी खिदमत करना, उसमें हमेशा आप लोगों का साथ समर्थन रहा है। और ये जो भीड़, ये जो समर्थन आप लोगों का जो नजर आ रहा है, ये वही समर्थन है जिसके वजह से विपक्षियों ने उनको जाल झेल षड्यंत्र करके फंसाया गया। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का ये साफ समर्थन आगे के भविष्य में भी बरकरार रहेगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे नेता बहुत जल्द हम लोगों के बीच में होंगे। साथियों, मैं अंत में, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं अंत में राहत इंदौरी साहब का, मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ना चाहूंगा जो मैं खुद के लिए एक नसीहत बराबर समझता हूं। कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दरिया में तो हम लोग कूद ही गए हैं, तैरना भी सीख ही लिया है। और इसी तरह से आप लोग का प्यार मोहब्बत साथ समर्थन रहा तो दरिया भी पार कर ही जाना है। इतना ही कहते हुए गणतंत्र के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले न्यूज 24 के मार्फत से भी मैं देशवासियों को गणतंत्र का हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपना 2 शब्द यही खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय नेपाल।